जी हाँ, आपने टाइटल में बिल्कुल सही पढ़ा। आज से नॉनस्टॉप 30 डेज तक मैं करने वाला हूँ दिल्ली भ्रमण। इन आने वाले 30 डेज में मैं आपको दिल्ली की हर बड़ी छोटी फेमस इन फेमस मार्केट दिखाने वाला हूँ। और इन आने वाले 30 दिनों में हम जो भी मार्केट्स देखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ फूड से रिलेटेड नहीं होंगी, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको हर पॉसिबल आइटम की दिल्ली में मार्केट दिखा सकूं, ताकि तुम्हें कभी भी अपने लिए फर्नीचर, लाइटें, शोपीस, मोबाइल, एसी, टीवी कुछ भी लेना हो तो तुम्हें पता हो कि कहां जाना है। बाकी बातें गाड़ी में करते हैं। तो भाई, आज हम जाने वाले हैं एनएसपी यानी नेताजी सुभाष प्लेस। और ये ऑनेस्टली एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे आपको कैफे से लेकर स्ट्रीट फूड तक लगभग सारा खाना मिल जाएगा। तो बेसिकली जो भी एनएसपी के बेस्ट खाने के स्पॉट्स हैं, आज की वीडियो उनके बारे में होने वाली है। और मैं पर्सनली 30 दिन तक इन अलग अलग मार्केट्स की वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि भाई मैं भी पर्सनली कभी किसी नई मार्केट में जाता हूँ तो बहुत दिक्कत होती है। तो ये वीडियो इसलिए है ताकि आपको और मुझे दोनों को बेसिकली पता चल जाए कि क्या सामान लेने के लिए कौन सी मार्केट फेमस है, इन मार्केट्स में कौन सी जगहों पर खाना प्रेफर करना चाहिए और कहां पर आपको चीजों का सही रेट मिल जाएगा। अब एक प्रॉब्लम ये है कि इस गाड़ी का जो स्टीरियो है वो पूरी तरह खराब हो चुका है। मतलब स्टीरियो सही है, कुछ स्पीकर की तार वार हिल गई जो पहले भी हिल गई थी एक बार, तो इसीलिए एक बार पहले इसको सही करवाएंगे क्योंकि भाई रास्ते में म्यूजिक होना बहुत जरूरी है। तो भाई सबसे पहले मैं आपको लेके जाने वाला हूँ उस जगह पे जहाँ पे मैं खुद 9th क्लास से जा रहा हूँ। तो भाई एनएसपी का ये कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा बड़ा है और यहाँ पर ओपन कैफेज और लोकल रेस्टोरेंट्स का नंबर कुछ ज्यादा ही है, इसीलिए यहाँ पर आके क्या खाना है इस चीज को लेके कंफ्यूज होना बहुत नॉर्मल सी बात है। तो चलो आज मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। सबसे पहले हम जाएंगे हॉटस्पॉट। जैसा कि मैंने कहा था, मैं यहाँ पर पहली बार 9th क्लास में आया था और तब से ही ये जगह मुझे काफी पसंद है। इनके मेन्यू में सैंडविचेस, पास्ता, मैगी वगैरह की बहुत वैरायटी है, लेकिन मैंने ऑर्डर किया यहाँ का अपना वन ऑफ द फेवरेट सैंडविचेस। थोड़े से इंतजार के बाद ये रहा हमारा ऑर्डर। मैंने मंगवाया है एक वेज अफगानी सैंडविच, इसके ऊपर तंदूरी सॉस और मेयोनीज डली हुई है, प्लस इसके अंदर वेजिटेबल्स, बहुत सारा चीज और पनीर की फिलिंग थी। सैडली मैं इन्हें बताना भूल गया कि मैं पनीर नहीं खाता, लेकिन चलो कोई नहीं, फिर भी ये सैंडविच काफी ज्यादा टेस्टी था। इसमें टोटल 4 पीस थे जो 2 लोगों के लिए इनफ है, और मुझसे पूरे 4 पीस खत्म नहीं हुए इसीलिए मैंने 2 पीस पैक करवा लिए। इसका प्राइस था 200 रुपीज। शेक पीना है तो यहाँ पर केवेंटर्स है, आप खाने का मन है तो SGF भी है, बाकी बिस्ट्रो और सरदार जी बक्स भी है पिज्जा, पास्ता और कॉफी वगैरह के लिए। लेकिन उस सैंडविच के बाद मेरा कुछ हल्का सा हेल्दी खाने का मन था तो मैं चला गया द टमी सेक्शन। इस जगह का खाना मैंने रिसेंटली ही डिस्कवर किया है और ट्रस्ट मी, यहाँ का खाना टेस्टी होने के साथ साथ कंपैरेटिवली हेल्दी भी है। मैंने ऑर्डर किया इनका सोया शवारियो, बेसिकली वेज सोया शॉर्मा, जिसका साइज देखकर मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया। लेकिन एक तो इसका प्राइस सिर्फ 85 रुपीज था, साथ में इन्होंने एक डिप भी दी थी और भाई बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस इसका टेस्ट बहुत ही कमाल का था। अंदर की सोया की फिलिंग बहुत ज्यादा जूसी और काफी फ्लेवरफुल थी। अगर पेट में जगह होती तो पक्का एक और खा लेता, बट अब इतना खाने के बाद वक्त था कुछ मीठा खाने का। देखो यहाँ पर मीठा खाने की ऑप्शंस की कुछ कमी तो है नहीं, लेकिन मैं कंफ्यूज था वॉफल और आइसक्रीम के बीच में, और क्योंकि गर्मी बहुत थी तो मैंने आइसक्रीम खाने का डिसाइड किया। बाकी अगर तुम्हें वॉफल खाना हो तो बेल्जियन वॉफल का नेकेड न्यूटेला या फिर ट्रिपल चॉकलेट वॉफल ट्राई करना, इतना मजा आएगा कि आगे और 10 लोगों से सब्सक्राइब करवाओगे। खैर, आइसक्रीम के लिए यहाँ पर है नेचुरल्स की आइसक्रीम और इसके जस्ट ऑपोजिट है ज्ञानी। तुम चाहो तो किसी से भी खा सकते हो, पर मैं नेचुरल्स की प्रेफर करता हूँ। इन्होंने मुझे आइसक्रीम वाले एरिया की तो रिकॉर्डिंग नहीं करने दी, लेकिन मैंने ऑर्डर की थी एक कॉफी वॉलनट आइसक्रीम। भाई नेचुरल्स की खास बात ये है कि ये एक्चुअल फ्रूट्स, कॉफी और चॉकलेट्स वगैरह को यूज करते हैं। आज मेरा कॉफी वॉलनट खाने का मन था, लेकिन अगर तुम कॉफी के फैन नहीं हो तो इनका मैंगो या फिर टेंडर कोकोनट भी ट्राई कर सकते हो। और हाँ, अगर इतनी गर्मी में आओ तो अपनी खुद की पानी की बॉटल कैरी कर लेना। बहुत खा लिया भाई, अब चले घर। तो भाई एनएसपी में मेरे अकॉर्डिंग जो बेस्ट खाने की जगह थी वो मैंने तुम लोगों को दिखा दी। और अभी हम जिस एनएसपी कॉम्प्लेक्स में थे उसके जस्ट ऑपोजिट बहुत बड़ा पैसिफिक मॉल है। अगर तुम शॉपिंग करना चाहो तो तुम्हें वहाँ पर ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे, प्लस वहाँ पर एक बहुत बड़ा फूड कोर्ट भी है और उनके टॉप फ्लोर पर बहुत सारे अच्छे अच्छे कैफेज भी हैं। तो अगर गर्मी बहुत ज्यादा है जैसे कि आज थी, तो तुम उस सामने वाले पैसिफिक मॉल में भी जा सकते हो। चलो भाई, बातें बातें बहुत हो गई, अब कल मिलते हैं एक और नई मार्केट एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल मैं घर चलता हूँ।